एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। इवेल्युएट करना है अंडर रूट 3 कोसेक 20 माइनस सेक 20 डिग्री। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं कोसेक और सेक को। एलसीएम ले लेते हैं अब। अंडर रूट 3 कोस 20 माइनस साइन 20। अभी हम क्या करेंगे, एक बात हमें पता है कि ए कोस थीटा प्लस या माइनस बी साइन थीटा में हम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं आइडेंटिटी बनाने के लिए। तो इसलिए न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे, कोस का कोफिशेंट है अंडर रूट 3 और साइन का इतना है, तो हम रूट 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर का अंडर रूट यानी 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं न्यूमरेटर को। ऐसे और यहां पे आपको एक बात और समझनी है, या नहीं अभी कर देते हैं, 2 sin a cos a का फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को। तो ऊपर आ गया हमारा 4, यहां पे इसकी जगह लिख देते हैं कोस अंडर रूट 3/2 होती है 30 पे, कोस 30 कोस 20 साइन 30 साइन 20। और नीचे आ गया टू साइन ए कोस ए साइन 2a, नीचे आइडेंटिटी लग गई 2 sin a cos a sin 2a। तो 4, और यहां पे भी हम आइडेंटिटी लगा देते हैं कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये आइडेंटिटी हो जाएगी कोस ए प्लस बी। तो ऊपर आ गया कोस ए प्लस बी और नीचे आ गया साइन 40, यानी ऊपर कोस 50 आ गया, नीचे साइन 40 को हम लिख लेते हैं 90 माइनस 50। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो नीचे कोस 50 आ जाएगा और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 4, ये हो गया कोस 50, ये कैंसिल हो गया तो आंसर 4 आ गया। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। 4 आंसर।